हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। सड़क हादसे में कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता घायल। कांग्रेस प्रत्याशी ने पहनाई भाजपा कार्यकर्ता को माला। राकेश सिंह ने लगाया कांग्रेस पर झूठ बोलने के आरोप। और तुलसी सिलावट के समर्थन में उतरी मंत्री उषा ठाकुर। ग्वालियर जिले के डबरा तहसील के आने वाले सिमरिया ताल इलाके में हुए एक सड़क हादसे में कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया। बता दें डबरा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की शिरकत करने के लिए जा रहे थे और पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव, पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला, कांग्रेस नेता राम सिंह चौहान सड़क हादसे में घायल हुए। फिलहाल हॉस्पिटल की तरफ से सबकी स्थिति सही बताई जा रही है। आगे तो उसको बचाने के लिए गाड़ी एकदम से टर्न करनी पड़ी, गाड़ी चल गई डिवाइडर के ऊपर, तो हम और भगवान सिंह जी पीछे बैठे थे, ड्राइवर आगे था, राम सिंह चौहान सामने थे। चोट सबको आई है, मुझे लगता है शायद सबसे कम चोट मुझको ही आई है, राम सिंह जी को भी कमी चोट है, लेकिन हाथ पाँव हमने चला जुलू के देखे सब ठीक ठाक है। छाती में यहाँ पर जकड़न सी है, अंदरूनी चोट ऐसा लगता है मेरे को कि अंदर कोई दिक्कत है मेरे को, लेकिन अदरवाइज ठीक है। भगवान सिंह जो भी आँख के ऊपर चोट आई है, गाड़ी पीछे आ ही रही है, तो वो भी पैसा दे था, वो भी ठीक है। उनको भगवान सिंह जी आँख के ऊपर चोट लगी यहाँ पर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते राजनेता मतदाताओं को लुभाने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ रहे, लेकिन कई बार जनप्रतिनिधियों के प्रचार का तरीका उल्टा उनके लिए ही मुसीबत बन जाता है। ऐसा ही सुवासरा विधानसभा में देखने को मिला, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने जनसंपर्क के दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता को माला पहना दी और फोटो भी खिंचवाया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता ने वीडियो बनाकर बताया कि वह भाजपा का सदस्य है, पर कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने जबरदस्ती उसे माला पहना दी। मैं राजेश राम शर्मा पायदरी से 50 साल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ और कल मेरे दुकान के ऊपर बैठा था मैं और राकेश भाई आए और माला पहनाकर जबरन मेरा फोटो ले गए। मैंने कुछ शपथ ग्रहण नहीं की, मैं 50 साल से बीजेपी का हूँ और बीजेपी में रहूँगा। हाल ही में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वचन पत्र के नाम पर प्रदेश की भोली भाली जनता को झूठ बोलकर अपने भ्रम में फंसाना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता समझदार हो गई है, अब दोबारा से कांग्रेस के झांसे में नहीं फंसने वाली। जो विधानसभा के आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने अपना एक वचन पत्र जारी किया था, बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, कुछ सीटों के समीकरण के चलते वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही ज्यादा मिले थे, लेकिन वो सरकार बनी तो अपने ही उस वचन पत्र को कांग्रेस ने झुठलाया। मैं ऐसा मानता हूं कि देश में शायद कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे ये भी स्मरण नहीं रहता कि कुछ समय पहले या कुछ दिनों पहले या आपने किसी वचन पत्र में उन्होंने जनता से क्या वायदे किए थे। ये दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद 70 सालों में से 55-56 साल तक कांग्रेस की सरकारें राज्यों में और केंद्र में रहीं, लेकिन एक ऐसी पार्टी आज भी ये मानकर चलती है कि मध्य प्रदेश में या देश में जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उस मानसिकता से आज भी बाहर नहीं आ पा रहे। मध्य प्रदेश उपचुनाव में सबसे कांटे की टक्कर जिसे कहा जा रहा है, उस सांवेर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के समर्थन में मंत्री उषा ठाकुर ने
वार्डों में जनसंपर्क किया। मंत्री विश्व ठाकुर ने रविवार सुबह पाताल विजय हनुमान मंदिर से पूजन अर्चना की, उसके बाद जनसंपर्क की शुरुआत की। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दिलीप चौधरी ने बताया कि विकास के दम पर वे जनता के बीच जा रहे हैं और हजारों मतों के अंतर से भाजपा जीत हासिल करेगी। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक ली है, जिसमें उन्होंने माफियाओं पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही संरक्षण देने वालों पर भी कार्यवाही की बात कही गई है। बैठक में सीएस एडीजी ईंट पीएस होम ओएसडी मकरंद देउस्कर उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते लगातार राजनेताओं के आरोपों से लोडेड बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता विश्वास सारंग का एक बड़ा बयान सामने आया। विश्वास सारंग ने अपने बयान में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जीतू पटवारी और नकुल नाथ समेत कई कांग्रेसी नेताओं को अपनी रडार पर लिया, उन पर तंज कसा। आइए आपको सुनाते हैं विश्वास सारंग ने अपने ही ढंग में अपने बयान में क्या कुछ कह डाला। स्कूल खोलने की बात है, नए उद्योग लगाने की बात है, मेट्रो तक देने की बात कह दी ग्वालियर को। देखिए, वचन पत्र का क्या हश्र कांग्रेस का हुआ था, ये हमने 15 महीने की सरकार में देखा। उस वचन पत्र में जो विधानसभा के आम चुनाव में राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी ने जनता के बीच दिया था, उसमें तो किसान का कर्जा माफ करने की बात थी, उसमें तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, उसमें तो इस मध्य प्रदेश में विकास की नई अवधारणा स्थापित करने की बात थी। पर वो वचन पत्र जब झूठा साबित हो गया तो आगे आने वाले वचन पत्रों का क्या मायने है। और सीधी बात है कि कांग्रेस को ये बात स्पष्ट लगती है कि अब मध्य प्रदेश सहित देश में किसी भी स्थान पर उनके लिए राजनीतिक सत्ता में आना असंभव है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर केवल और केवल झूठे वादे करके जनता को गुमराह करना चाहती है। जनता ने 15 महीने का कांग्रेस का कुशासन देखा, जहां विकास तो दूरी छोड़िए, केवल विनाश ही विनाश था। इसलिए जनता सब जानती है, कहीं भी किसी भी छलावे में और झूठे वादे में जनता नहीं आएगी। देखिए, कांग्रेस के नेता और खासकर वो नेता जो कि 15 महीने मध्य प्रदेश में पीछे के दरवाजे से सरकार में आ गए थे और रोज करोड़ों रुपए कमा रहे थे, जब उनकी कमाई बंद हो गई तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये जीतू पटवारी जी का फ्रस्ट्रेशन है, उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ने की ये इबारत है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति को राहुल गांधी अपने साथ लिए लिए घूमता है, उसका मानसिक स्तर इतना नीचे क्यों है। ये केवल और केवल उनका फ्रस्ट्रेशन है, इसमें कहीं भी ज़्यादा चर्चा की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस हर समय गुमराह करने की राजनीति करती है। यदि कांग्रेस के शासनकाल की बात की जाए, और केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस ने शासन किया, सबसे ज़्यादा यदि महिलाओं पर उत्पीड़न हुए और उन उत्पीड़न को करने वाले कांग्रेस नेताओं के नाम यदि हम उजागर करें तो एक लंबी लिस्ट बनेगी। उन नेताओं को मैं कहना चाहता हूं जो बहुत महिलाओं के संरक्षण की, उनके उनके हितों की बात करते हैं। नैना साहनी कांड किसने किया था? गीतांजलि जी का जो हत्या हुई थी वो किसके शह पर हुई थी? और मध्य प्रदेश सहित देश भर में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले केवल और केवल कांग्रेस सरकार के समय आगे आए हैं। और तो और, राजगढ़ के छापीहेड़ा नगर के सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण पर संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म योग यज्ञ नित्य प्रतिदिन नियमित करने के लिए गिरिजा शर्मा ने महिला योग कक्षा की शुरुआत की। कक्षा का शुभारंभ करते हुए पतंजलि जिला योग प्रचारक संतराम आर्य ने कहा कि योग में सुख का मूल है। उक्त अवसर पर पतंजलि जिला योग विस्तारक ओम प्रकाश खटीक, योग शिक्षक भगवत सिंह परमार भी योग से जुड़ी जानकारी साझा की। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।